सेक्स रैकेट चलाने के आरोप में गिरफ्तार हुए बीजेपी नेता। नमस्कार, स्वागत है आपका यूवी न्यूज में। मेघालय में सेक्स रैकेट चलाने के अपराधी भाजपा नेता बर्नार्ड एन मारक को हिरासत में लिया गया है। बर्नार्ड एन मारक को उत्तर प्रदेश के हापुड़ से हिरासत में लिया गया। अब मेघालय से एक टीम पहुंच चुकी है जो बर्नार्ड को साथ लेकर जाने वाली है। बर्नार्ड अपने फार्म हाउस पर छापा पड़ने के बाद से फरार बताए जा रहे थे। वेस्ट गारो हिल्स के जिला पुलिस अध्यक्ष विवेकानंद सिंह ने बताया कि बर्नार्ड को उत्तर प्रदेश में हिरासत में लिया जा चुका है। अब टीम वहां जाकर बर्नार्ड को लेने वाली है। वहीं हापुड़ के एसपी दीपक भुकेन ने भी बताया कि बर्नार्ड को मेघालय पुलिस की टीम को हैंडओवर किया जा चुका है। हापुड़ के दूसरे पुलिस अफसर ने कहा था कि पिलखुवा पुलिस और स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप टीम ने बर्नार्ड को गाजियाबाद बॉर्डर के पास मौजूद टोल प्लाजा पर पकड़ा। उस टीम को पता था कि बर्नार्ड के विरुद्ध मेघालय पुलिस ने लुकआउट नोटिस भी पेश किया है। बर्नार्ड पर गैर जमानती वारंट भी जारी किया गया था। पुलिस अधिकारी ने कहा था कि छापेमारी के दौरान शराब की तकरीबन 400 बोतलें और 500 से अधिक कंडोम जब्त किए गए हैं। छापेमारी में 27 वाहन, 8 दोपहिया वाहन और क्रॉसबो और तीर भी जब्त किए गए थे। वेस्ट गारो हिल्स जिले के एसपी विवेकानंद सिंह ने तब ये कहा था कि एक गुप्त जानकारी के आधार पर आतंकवादी से नेता बने बर्नार्ड के फार्म हाउस रिंपू बागान पर छापेमारी की गई। इस बीच हमने 6 नाबालिगों को बचाया जिसमें 4 लड़के और 2 लड़कियां शामिल थीं। इल्जाम है कि ये बच्चे वेश्यावृत्ति के लिए मेघालय भाजपा के उपाध्यक्ष बर्नार्ड एन मारक और उनके सहयोगियों द्वारा रिंपू बागान में गंदे कमरों में बंद मिले थे। ऐसे रैकेट्स पर आपका क्या सोचना है हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। साथ ही अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।